डुमरी विधानसभा के उपचुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। चुनाव में किस्मत आजमाने को इच्छुक प्रत्याशी आज से नामांकन करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त है। उम्मीदवारों की ओर से दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 18 अगस्त को होगी। वैसे उम्मीदवार जो चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे वे 21 अगस्त को अपना नाम वापस ले सकेंगे। उपचुनाव के लिए वोटिंग 5 सितंबर को होगी, मतों की गिनती 8 सितंबर को होगी और 10 सितंबर तक चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य में होने वाला ये छठा उपचुनाव है। डुमरी विधानसभा में 2,98,639 मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,54,442 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,44,174 है। डुमरी उपचुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू। आज से 17 अगस्त तक नामांकन होगा। 5 सितंबर को 2,98,629 मतदाता अपने नए जनप्रतिनिधि के लिए वोट डालेंगे। 18 अगस्त को होगी नामांकन पत्रों की जांच। 21 अगस्त को कर सकेंगे नाम वापसी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी श्रीकांत जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। जी श्रीकांत, डुमरी विधानसभा के उपचुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आज से 17 अगस्त तक नामांकन होना है। श्रीकांत, ये देखिए बता दूं कि अब से जिस तरीके से डुमरी उपचुनाव को लेकर जो भी तैयारियां थी, जो भी घोषणा थी, वो सारी शुरू हो चुकी है। इसे लेकर सारी प्रशासनिक तैयारियां जो थी वो पूरी कर ली गई हैं। खुद जो जिले के उपायुक्त हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कहीं से कोई परेशानी ना हो। जो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी आदेश आया हुआ है उन आदेशों का सही तरीके से अनुपालन हो और उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, इसके मद्देनजर भी जो है वो लगातार बैठकों का दौर जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर जिले के पुलिस कप्तान ने संबंधित अधिकारियों से और थाना प्रभारियों के साथ में स्पेशल मीटिंग की है ताकि सुरक्षा से कहीं कोई चूक और कमी ना रह जाए। जिस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है जो कि 17 तारीख तक चलेगी। अब इसमें बड़े जो चेहरे हैं, बता दूं कि आपसे जिस तरीके से जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से देवी नामांकन कर सकती हैं अब से आने वाले कुछ ही दिन में। हालांकि तिथि की घोषणा नहीं हुई है और एनडीए की ओर से जो भी प्रत्याशी है, जो बातें हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो आजसू है, आजसू के खेमे से जो एंडिडेट के कैंडिडेट हैं वो रहेंगे, उनका नामांकन प्रक्रिया होगा। हालांकि एंडिडेट कौन होगा आजसू के खाते से ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, वो पुरुष होगी या महिला होंगे। आजसू भी लगातार जो है अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है कि आखिर जो इस चुनाव का परिणाम रहेगा उसका असर आगामी चुनाव पे भी पड़ सकता है। तो इसे लेकर जो राजनीतिक तैयारी है और सरगर्मी है वो भी बढ़ चुकी है। बताते हैं कि लगातार जो भी कार्यक्रम हो पार्टी का वो जारी है। कुछ दिनों पहले मधुबन में पारसनाथ के मधुबन में सुदेश महतो मौजूद रहे थे, जहां से मीडिया को दूर रखा गया था और जहां पर सुदेश महतो ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक गुप्त बैठक की थी कि कैसे हम चुनाव की रणनीति में उतरेंगे और कैसे हम अपने जीत को सुनिश्चित करेंगे। तो कुल मिलाकर सारी पार्टियां अपने अपने स्तर पर अंदर खाने से सारी तैयारियां पूरी कर रही हैं ताकि जब वो मैदान में निकलकर सामने जाएं तो उनकी तैयारी मजबूत रहे। बहरहाल प्रशासनिक स्तर पर भी सारी तैयारी हो चुकी है और अब ये देखना है कि नामांकन प्रक्रिया के बाद जब 5 सितंबर को चुनाव की तारीख है और 8 तारीख को इस वोटों की गिनती है। अब 8 तारीख को डुमरी उपचुनाव में वोटों का जो भी
समीकरण बनेगा, जनता किसके पक्ष में फैसला देगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। हालांकि अब तक कोई ऐसे बड़े चेहरे ने नामांकन की तिथि या नामांकन नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दो चार दिनों में महागठबंधन की ओर से और एनडीए की ओर से प्रत्याशी जो है वो अपना अपना पर्चा दाखिल करेंगे। जी श्रीकांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।